बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नेम शफीक ऑनलाइन ट्रेडिंग सोल की तरफ से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपनी विंडो की सी ड्राइव की जो स्पेस है उसको किस तरह हम एक्सटेंड कर सकते हैं, उसमें अननेसेसरी फाइल्स को किस तरह डिलीट कर सकते हैं, और वो फाइल्स जो हमें नज़र नहीं आती या विंडो की अपडेशन फाइल्स को किस तरह हम डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों वक्त को ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अपनी वीडियो पर जाने से पहले हसब रिवायत नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको व्यू बताता हूँ कि मेरे पास प्रॉब्लम क्या है। मैं अपने आ जाते हैं अपने माय कंप्यूटर में या दिस पीसी में। तो यहाँ पर आप देखें मेरी सी ड्राइव जो 18.1 GB फ्री है, उसके बाद दूसरी जो ड्राइव्स हैं वो वैसे भी हैं। तो इसको हम किस तरह से क्लियर करेंगे, तो हमने क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हमने तो अपनी सी ड्राइव पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद हम इसकी प्रॉपर्टी में आएँगे। प्रॉपर्टी में आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर ऊपर टैब्स में इसके टैब लिखे हुए हैं जिसमें जनरल टूल्स हार्डवेयर वगैरह है। तो हम क्या करेंगे, हमने डिस्क को क्लीन करना है, तो मैं यहाँ पर डिस्क क्लीन पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने डिस्क क्लीन पर क्लिक किया तो मेरे पास ये एक फ़ाइल आ गई है, डिस्क क्लीन अप फाइल। यहाँ पर फर्स्ट पे है जी डाउनलोडेड प्रोग्राम, टेम्प्रेरी इंटरनेट फाइल, उसके बाद विंडो एरर रिपोर्ट, फीडबैक्स, ये 1 MB के करीब है। और अभी आप देखें टेम्प्रेरी फाइल 1.77 GB की अवेलेबल है, तो मैं इसको चेक लगाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास हो गई 2 से 2.5 GB के करीब मेरे पास फाइल हो गई। अभी हम इसमें मज़ीद एक्सटेंड करेंगे। यहाँ पर ये लिखा हुआ है क्लीन अप सिस्टम फाइल्स, तो मैं इसके सिस्टम फाइल्स को भी क्लीन अप करता हूँ जो कि हमारे यूज़ में नहीं है, तो हम वेट करेंगे। और अभी आप देखें मेरे पास सेम जो फीचर है इसे विंडो जो है वो ओपन हो गई। यहाँ पर आप देखें विंडो अपडेट क्लीन अप, तो मैं इसको पहले पे करता हूँ, तो मेरे पास देखें ये 3.5 GB, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस, उसके बाद विंडो अपडेट लॉग फाइल, 3.5 GB के करीब फाइल जो है मेरी ये ऐड हो चुकी है। उसके बाद मैं इसको सिस्टम एरर जो है डमी उसको रिमूव करूँगा, फिर मैं इस माइंड अप को फाइल जो है इसको रिमूव करूँगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखें टेम्प्रेरी फाइल को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर 5.96 GB होगी। मैं सबसे पहले आपके दोबारा से चेक करवा देता हूँ। उसके बाद विंडो एरर रिपोर्ट जो है वो 2.5 MB की है। फिर डायरेक्ट एक्सचेंडर इसको हम नहीं करेंगे, डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन फाइल ये 500-700 MB की फाइल है, तो मैं इसको भी चेक लगाता हूँ। चेक लगाने के बाद डायरेक्ट एक्स को कंटिन्यू इन चीज़ों पर लगा कर, तो मेरे पास देखें 6.59 GB की फाइल जो है वो रिमूव हो करने के लिए ये सामने आ चुकी है। अभी आप देखें यहाँ पर 18.1 GB की फाइल है, मेरी सी ड्राइव है यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखें 17.9 GB फ्री है। तो मैं इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद ये कह रहा है जी आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट ऑल दीज फाइल्स, तो मैं इसको डिलीट फाइल्स पर क्लिक करता हूँ। जितनी देर मेरी फाइल्स दोस्तों डिलीट होती है मैं उतनी देर वेट करते हैं। वेट करने के बाद फिर आपको मैं इसको चेक करवाऊँगा कि ये किस तरह हुई है। तो यहाँ पर आप देखें ये क्लीन अप फाइल ड्राइव सिस्टम है, तो ये कंटिन्यू रिमूव हो रही हैं फाइल्स। देखें यहाँ पर ये 20.5 GB जो है वो फाइल जो है वो डिलीट हो चुकी है, तो अभी 20.6 GB है। थोड़ा सा वेट करेंगे, आपको दिखा देते हैं यहाँ पर ये तकरीबन 19 GB के करीब फाइल जो है वो रिमूव होंगी, तो उसी देर के लिए हम इसको पॉज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 20.7 GB जो है एम्प्टी हो चुकी है। तो अब मज़ीद जो है आप इसको इतनी देर मज़ीद वेट करेंगे तो आपकी ये जो फाइल है सी ड्राइव है ये इसकी जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्त को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई बात कोई सिचुएशन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।